बना लो कितने ही विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, एक गली तो ऐसी बताओ जहां बेटियां सुरक्षित घूम सके। हमारी इस लाइन का मतलब आपके सामने और दुरुस्त कर देते हैं। अभी हालिया दुख की खबर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां शक के स्वधर्म में फिर है देश की सबसे तेज पुलिस होने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस, और मूर्ख दर्शक बना बैठा है उत्तर प्रदेश प्रशासन। उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, और आरोप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद लड़की के पिता हैं। लड़की के पिता के कथन के अनुसार पुलिस उनके घर पहुंची, मारपीट की, उनके बेटे को कोतवाल साहब उठा कर ले गए, और इस सब दबिश के बीच उनकी बेटी का परलोक सुधर गई। वहीं दूसरी ओर लड़की के भाई का कहना है कि उसकी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है और पूरे मामले की जांच चल रही है। रविवार शाम पुलिस की एक टीम जिला बदर बालूत के आरत कारोबारी को पकड़ने उसके घर पहुंची। हालांकि कारोबारी घर पर नहीं मिला। आरोप है कि पुलिस टीम ने कारोबारी के परिवार को बुरी तरह पीटा। इस दौरान 19 साल की बेटी सामने देख गई तो उसे भी पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि एक सिपाही ने उसके साथ रेप भी किया। जोर जबरदस्ती और मारपीट से उसकी मौत हो गई। जून में उसकी शादी होनी थी। वहीं चंदौली के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभियुक्त कन्हैया यादव के घर पुलिस दबिश डालने गई थी। इस दौरान अभियुक्त वहां नहीं मिला। घर की तलाशी ली गई, जिसके बाद हमें पता चला कि इस दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में एसपी ने सदर इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर जांच के निर्देश दिए हैं। सर, कल थाना सैयद राजा अंतर्गत एक घटना घटी है सर, उस मृतका का पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट भी आपको मिल गई होगी सर, क्या निकला उसमें सर? देखिए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है आप सब लागवत है, उसके अंदर दो चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है, उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट, और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। बिस्तर इसमें प्रिजर्व कर लिया गया है, बिस्तर की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा गया है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें पूरा जो पोस्टमार्टम है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से करवाया गया, और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस पूरे मामले पर राजनीति ने भी तुल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में पुलिस का निरंकुश शासन है। उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस कप्तान से बात हुई थी, उनसे भी कहा था कि क्यों ऐसा न्याय हो रहा है। जहां तक दबिश की बात है, सोच समझ कर पुलिस ने घर में छापा मारा। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो दो बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। सपा चीफ ने आगे कहा कि कमरे में बंद करके युवती को बेल्ट से पीटा गया। एक बहन की जान चली गई और दूसरी बीमार है। घर के अंदर तांडव मचा है। ये पूरी की पूरी सरकार ही पुलिस दोषी है। सर, चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखा? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है, तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन्हीं की वजह से जान गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंदौली की घटना पर दुख जताया। परिजनों के आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है, अगर इस मामले में पुलिस दोषी होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना यह है कि जो उत्तर प्रदेश अपने सख्त कानून व्यवस्था पर इतना इतराता है, वो चंदौली की बेटी को इंसाफ कब तक दिला पाता है, या इस बार भी बेटी की इज्जत सिर्फ कुंठा से ग्रस्त राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी
और इंसाफ की उम्मीद में रह जाएगा अपनी बेटी की यादों में समेटे एक परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।